हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं बॉल मिल इक्विपमेंट के बारे में। दोस्त, इसके पहले हमने आपको बताया था बॉल मिल ओपन सर्किट के बारे में, बॉल मिल क्लोज सर्किट के बारे में, बॉल मिल का यूज कैसे वर्टिकल रोलर मिल में किया जाता है। बॉल मिल का यूज आज के डेट में वर्टिकल रोलर मिल में भी किया जाता है। जो वर्टिकल रोलर मिल का दोस्त रिजेक्ट है, उसको सेपरेट में बॉल मिल के द्वारा ग्राइंडिंग किया जाता है। ये जनरली हायर कैपेसिटी प्लांट में यूज होता है। दोस्त, आज हम बॉल मिल में कवर करेंगे उसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बारे में, कितने टाइप के बॉल मिल होते हैं, उसका ड्राइव अरेंजमेंट कौन कौन सा होता है, बॉल मिल के एक्सटर्नल पार्ट के बारे में बताएंगे, बॉल मिल इंटरनल के पार्ट के बारे में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ बॉल मिल। बॉल मिल जनरली थ्री टाइप के पाए जाते हैं। जो उसका रोटेशन है, जो उसका ड्राइव विंड और नॉन ड्राइव विंड बेयरिंग का साइज है, टाइप है, वो डिफरेंट होता है। तो जनरली थ्री टाइप के पाए जाते हैं। पहला है सेंटर ड्राइव। तो दोस्त, सेंटर ड्राइव में जो मिल का रोटेशन होता है वो सेंटर ड्राइव के द्वारा किया जाता है, जिसमें मोटर, प्लेनेटरी गियर बॉक्स लगे रहते हैं और मिल को सेंट्रली रोटेट करते हैं। जो रोटेशन होता है मिल का, वो स्लाइड शू बेयरिंग पे होता है। तो स्लाइड शू बेयरिंग करीब दो ड्राइव साइड में दोस्त, दो नॉन ड्राइव साइड में लगे होते हैं। दूसरा है दोस्त बॉल मिल का सेल का रोटेशन जो है वो गर्थ गियर और पिनियन के द्वारा किया जाता है। इसमें भी मोटर लगे रहते हैं, टॉर्सन शाफ्ट लगे रहते हैं, गियर बॉक्स लगा रहता है, पिनियन लगे होते हैं, गर्थ गियर लगे होते हैं। तो दोस्त, जो बॉल मिल गर्थ गियर और पिनियन के साथ रन करते हैं, जनरली इसका जो बेयरिंग का डिजाइन होता है सेल का रोटेशन का, वो टूनियन व्हाइट मेटल बेयरिंग होती है। तो ड्राइव इंड और नॉन ड्राइव इंड दोनों साइड में व्हाइट मेटल बेयरिंग पे रोटेट करता है। तीसरा है दोस्त, गर्थ गियर और पिनियन के साथ में ही मिल का रोटेशन किया जाता है, लेकिन जो ड्राइव इंड और नॉन ड्राइव इंड का टूनियन है वो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग माउंटिंग अरेंजमेंट के साथ में रोटेट किया जाता है। दोस्त, इस टाइप के बॉल मिल जनरली लो कैपेसिटी के होते हैं, प्री असेंबल्ड कंडीशन में आते हैं। इमीडिएट आप इसको कहीं भी लोकेट करके आप प्रोडक्शन गेन कर सकते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट ऑफ बॉल मिल। तो दोस्त, आप देख सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले मटेरियल को फीड किया जाता है फीड सूट में। दोस्त, फीड सूट का डिजाइन बॉल मिल में सबसे अहम होता है। इसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि हम मिल फर्स्ट चैम्बर में जाके प्रॉपर मेंटेनेंस भी कर सकें, क्योंकि दोस्त कोई भी मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है मिल इनसाइड में, चाहे वो डायफ्राम की चोकिंग रिमूवल हो, चाहे एनी लाइनर का मेंटेनेंस हो, उसका चेंजओवर हो, चाहे ग्राइंडिंग मीडिया का परफॉर्मेंस, उसका कंडीशन चेक करना हो, तो जनरली मिल इनलेट सूट से ही मैन पावर इनसाइड में जाता है। तो इसका जो एक्सचेंजेबल डिजाइन टाइप का फीड सूट डिजाइन होता है, आप देख सकते हैं स्लाइड शू बेयरिंग ड्राइव इंड और नॉन ड्राइव इंड साइड में होते हैं, टूनियन होता है, टूनियन बेयरिंग, व्हाइट मेटल बेयरिंग, काउंटर शाफ्ट पिनियन, गर्थ गियर, मिल सेल, टॉर्सन शाफ्ट, दोस्त गियर बॉक्स, मोटर। दोस्त, मिल का रोटेशन चाहे वो स्लाइड शू बेयरिंग पे हो, चाहे व्हाइट मेटल बेयरिंग पे हो, ये जनरली जनरल टाइप के बेयरिंग होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जब मिल स्टैंड स्टील है उसको ऑपरेशन में लाना है, तो प्री जैकिंग किया जाता है। तो प्री जैकिंग के लिए दोनों साइड ड्राइव इंड और नॉन ड्राइव इंड साइड में प्री जैकिंग अरेंजमेंट होता है। हाई प्रेशर के साथ में करीब 120-110 बार का प्रेशर अप्लाई करके सबसे पहले मिल जनरेटर के पास एक फिल्म, ऑयल फिल्म जनरेट किया जाता है, जिससे मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट रिमूव होता है, एक थिन लेयर जनरेट होता है और फिर मिल का ऑपरेशन चलाया जाता है। तो इसलिए मिल इनलेट और आउटलेट दोनों पे लो प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम के साथ में प्री जैकिंग हाई प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम होते हैं। हाई प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम दोस्त केवल हाफ एन आवर या वन आवर इनिशियल में चलाए जाते हैं, उसके बाद में ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है और लो लुब्रिकेशन सिस्टम के साथ में मिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये आप देख सकते हैं, सेंटर ड्राइव है, मोटर है, गियर बॉक्स है, टॉर्सन शाफ्ट है, स्लाइड शू बेयरिंग है, मिल सेल है। जो दोस्त मटेरियल का डिस्चार्ज होता है वो आउटलेट में ही होता है। मिल इंटरनल का व्यू आप देखिए दोस्त, ये इनलेट सूट है, इसमें फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर,
फर्स्ट चैम्बर का लाइनर स्टेट लाइनर होते हैं स्टेप टाइप का, सेकेंड चैम्बर में क्लासिफाइंग टाइप का लाइनर लगा रहता है, बड़े बड़े साइज के ग्राइंडिंग मीडिया बॉल फर्स्ट चैम्बर में होते हैं, छोटे ग्राइंडिंग मीडिया के बॉल सेकेंड चैम्बर में होता है, सेंटर डायफ्राम है। दोस्त सेंटर डायफ्राम का रोल सबसे अहम होता है बाल मिल में, इसमें स्लॉटेड होल होते हैं, टूवर्ड्स फर्स्ट चैम्बर साइड में स्लॉटेड रहता है और सेकेंड चैम्बर साइड में ब्लाइंड लाइनर लगे रहते हैं और जो मटेरियल का डिस्चार्ज है दोस्त वो सेंटर डायफ्राम में ये स्कूपिंग नेचर का अरेंजमेंट होता है, वहां से होता हुआ मटेरियल डायफ्राम के सेंटर से फर्स्ट चैम्बर से सेकंड चैम्बर में मटेरियल आता है। आउटलेट डायफ्राम है, यहां भी स्लॉटेड होल होते हैं, जो स्लॉटिंग साइज है दोस्त वो सेंटर डायफ्राम अगर हम कंपेयर करते हैं आउटलेट डायफ्राम से तो आउटलेट डायफ्राम का स्लॉटेड होल है वो करीब 6 to 8 mm तक रहता है और वहीं सेंटर डायफ्राम का जो स्लॉटिंग होल है मैक्सिमम 10 mm तक रहता है। फिर आउटलेट सूट से होता हुआ मटेरियल डिस्चार्ज होता है। ये सेंटर ड्राइव बाल मिल है दोस्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन व्यू है स्लाइड से बीयरिंग का, कैसे मटेरियल का रोटेशन होता है, इसमें भी सेल होते हैं, डायफ्राम होता है, लाइनर फर्स्ट चैम्बर सेकंड चैम्बर स्टेट लाइनर क्लासिफाइंग लाइनर। तो दोस्त वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बाल मिल बहुत ही मायने रखता है बाल मिल ऑपरेशन के लिए, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्त सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट चैम्बर और सेकंड चैम्बर में क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो दोस्त फर्स्ट चैम्बर में जो लाइनर का डिजाइन होता है वो स्ट्रेट लाइनर रहते हैं, जो सेकंड चैम्बर है दोस्तों वो क्लासिफाइंग लाइनर लगे रहते हैं, फर्स्ट चैम्बर में जो ग्राइंडिंग मीडिया के बाल हैं वो करीब 90 mm 80 mm 70 mm 60 mm और 50 mm तक के होते हैं, जो कि वही सेकंड चैम्बर में 40 mm 30 mm 25 mm 20 mm और मैक्सिमम 17 mm तक के ग्राइंडिंग मीडिया यूज किया जाता है। जो ग्राइंडिंग मीडिया की फिलिंग है वो करीब 30 से लेकर 32% तक दोस्त होता है। जो ग्राइंडिंग होती है सबसे पहले कोर्स ग्राइंडिंग होती है, उसके बाद मीडियम ग्राइंडिंग होती है, उसके बाद फाइन ग्राइंडिंग होती है। तो वर्किंग प्रिंसिपल में दोस्त सबसे अहम है कि जानना कि बाल का बिहेवियर कैसे होता है, मोशन ऑफ ग्राइंडिंग मीडिया फर्स्ट चैम्बर और सेकंड चैम्बर में। तो दोस्त फर्स्ट चैम्बर में जो ग्राइंडिंग मीडिया है बड़े साइज के हैं तो यहाँ पर इम्पैक्ट नेचर होता है ग्राइंडिंग मीडिया का, जो इसका मोशन है वो कैट्रैक्टिंग टाइप का होता है, सेकेंड चैम्बर में कैस्केडिंग टाइप का होता है। तो दोस्त जो कैट्रैक्टिंग इम्पैक्ट टाइप का होता है, मान लीजिए दो बाल है जब आपस में हिट करेंगे उसके बीच में जो भी मटेरियल आएगा वो ब्रेक हो जाएगा, तो जो बाल है वो मिल के सरफेस से होता हुआ एक सर्टेन डिग्री के बाद में बाल ऑटोमेटिक फॉल करेगा, तो वहां पर जो सेंट्रिफ्यूगल एक्शन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा और बाल एज ए इम्पैक्ट वर्क करेगा फर्स्ट चैम्बर में। जो कैस्केडिंग है दोस्त, बाल है आपस में घर्षण के द्वारा, आपस में दो बाल है दोस्त आपस में घर्षण करेगा, तो दोस्त इसका जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है वो लाइनर का डिजाइन कैसा होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, मिल डिग्री ऑफ फिलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परसेंटेज ऑफ क्रिटिकल स्पीड। तो दोस्त सबसे अहम होता है क्रिटिकल स्पीड ऑफ बाल मिल। तो क्रिटिकल स्पीड क्या होता है? तो दोस्त क्रिटिकल स्पीड मिल का ऐसा स्पीड जब मिल रोटेट करता है और एक सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, जब सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए तो वो क्रिटिकल स्पीड है। तो ऑब्वियसली जब बाल फर्स्ट चैम्बर में होता है कैटरेक्टिंग मोशन होता है तो बाल का मोशन सेल से होता हुआ एक सर्टेन डिग्री 120 डिग्री तक जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक फॉल हो जाता है जिससे इंपैक्ट होता है, आपस में बाल टकराते हैं, इंपैक्ट नेचर होता है, तो वो क्रिटिकल स्पीड में ही डिजाइन होता है। अगर क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा मिल को रोटेट किया जाता है तो बॉल का जो मोशन है वो कैट्रैक्टिंग मोशन और कैस्केडिंग मोशन जो कि ग्राइंडिंग के लिए जरूरी है वो नहीं होगा, बाल सेल के साथ में ही आपस में रोटेट करता रहेगा और ग्राइंडिंग नहीं होगा। तो दोस्त जो मिल का एक्चुअल स्पीड होता है वो क्रिटिकल स्पीड से करीब 70-80 डिग्री ही रखा जाता है। मान लीजिए अगर मिल का स्पीड है 18 rpm तो 15 rpm मिल का स्पीड रखा जाता है, उसका डिजाइन वैसा ही होता है, वैसे ही
मोटर लगे रहते हैं, वैसा ही गियरबॉक्स लगे रहते हैं। गियरबॉक्स का रिडक्शन भी उसी रेशियो में डिसाइड होता है कि फाइनली बाल मिल का जो आरपीएम हो वो 15 आरपीएम तक हो। वाटर इंजेक्शन सिस्टम इन बाल मिल, तो दोस्त सबसे अहम होता है जो हम आउटपुट प्रोडक्ट जो सीमेंट बना रहे हैं उसका क्वालिटी डिटेरिएट नहीं होना चाहिए। तो दोस्त सीमेंट बनाने के लिए जनरली जिप्सम का यूज होता है, क्लिंकर का यूज होता है और फ्लाई ऐश का यूज होता है। तो क्लिंकर और फ्लाई ऐश का टेम्परेचर बढ़ने से ना बढ़ने से उतना कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन जो जिप्सम की प्रॉपर्टी है दोस्त वो 120 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही मिल इनसाइड में टेम्परेचर राइज करता है उसका प्रॉपर्टी डिटेरिएट होने लगता है। तो जिप्सम का जो डिहाइड्रेशन है उसको रोकने के लिए मिल के इनसाइड में 120 डिग्री सेल्सियस से बिलो ही टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, इसलिए उसमें वाटर इंजेक्शन सिस्टम लगे होते हैं। डिहाइड्रेशन रोकने के लिए क्या क्या उसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं दोस्त? सीमेंट सेलों में लम्स फॉर्मेशन हो सकता है, मिल इनसाइड में भी चोकिंग जनरेट हो सकता है, जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, जो सीमेंट का स्ट्रेंथ है चाहे वो 7 डेज में हो, चाहे 3 डेज में, चाहे 28 डेज में, चाहे 56 डेज में, वो भी रिड्यूस हो सकता है। तो मिल के इनसाइड में प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वाटर इंजेक्शन सिस्टम लगे होते हैं। वाटर इंजेक्शन सिस्टम सेकेंड चैम्बर में भी होता है, फर्स्ट चैम्बर में भी होता है। फर्स्ट चैम्बर में जनरली दोस्त उसको अवॉइड किया जाता है नोजल के द्वारा। जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर फर्स्ट चैम्बर में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो फीड क्लिंकर का टेम्परेचर है उसी को कंट्रोल कर लिया जाता है, बेफीडर पे ही वाटर स्प्रे करके क्लिंकर का टेम्परेचर मेंटेन करके फर्स्ट चैम्बर में राइज टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। सेकेंड चैम्बर में काउंटर करंट डायरेक्शन में वाटर स्प्रे सिस्टम लगा होता है। जैसे ही मिल का टेम्परेचर 115 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस तक जाता है उसके बाद में इमीडिएट वाटर इंजेक्शन सिस्टम रन हो जाता है और मिल के इनसाइड में हमेशा 120 डिग्री सेल्सियस से बिलो ही टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इसके लिए सेपरेट में हाई प्रेशर पंप लगे रहते हैं, प्रॉपर नोजल की क्लीनिंग के लिए रूट ब्लोअर लगे रहते हैं। वो भी जरूरी है कि ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन में अगर नोजल चोक हो गया तो इससे मेंटेनेंस हैम्परिंग होगी, इसलिए रूट ब्लोअर लगे रहते हैं जो कि प्रॉपर नोजल को हमेशा क्लीन करके रखता है। तो दोस्त ये था बाल मिल का ओवरव्यू। दोस्त आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि कैसे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस होती है, कैसे ग्राइंडिंग मीडिया का वेयर एंड टियर मेजर किया जाता है, कैसे ग्राइंडिंग मीडिया की फिलिंग होती है, वो सारा डिटेल मैं दोस्त आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी बाल मिल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।